Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and are safe at home. So, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. और मैंने रिसेंटली अपने स्किन केयर रूटीन में डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स ट्राई आउट किए हैं, इंक्लूड किया है अपने स्किन केयर रूटीन में, स्पेशली मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में. सो मैं आज मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ. एंड जब से मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, कई मेरे सब्सक्राइबर्स ने इंस्टा पर मुझे डीएम भी किया है कि दी जल्दी से इसका रिव्यू शेयर करें हम सभी के साथ, because they were really excited. लेकिन मैंने टाइम लिया है उन प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करने में, मैंने अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया है. एंड देन ओनली आई एम शेयरिंग दिस रिव्यू विद यू ऑल, जब मुझे एक चेंज नजर आया, एक डिफरेंस जब मुझे नजर आया, ताकि मैं आप सबको बेटर एक पर्सपेक्टिव दे सकूं. सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. सो ये जो मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है, इसमें तीन प्रोडक्ट्स हैं. और जो सबसे पहला स्टेप है वो है डॉटन की 10% नायसिनामाइड स्किन क्लियरिंग सीरम. इसमें लिकरिश है, सनफ्लावर सीड ऑयल है. नायसिनामाइड हमारे फेस में जो भी पिंपल मार्क्स है, जो भी डार्क स्पॉट्स है, उसे रिमूव करने के लिए काफी अच्छा एक इंग्रेडिएंट है. एंड अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है देन यू नो दैट कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर मैं फेस मास्क वेयर करती हूँ तो मेरे चीक्स पर ना एक्ने एंड ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम फेस करती हूँ मैं, विच इज वाई पिंपल्स तो यू नो वी कैन ओवरकम पिंपल प्रॉब्लम, बट उसका जो डार्क स्पॉट्स है, जो पिंपल मार्क्स है, वो रह जाता है, उसे ओवरकम करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, विच इज वाई मैंने इस सीरम को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में. एंड इट ऑल्सो मिनिमाइजेस पोर्स, स्किन का जो ओवरऑल टेक्स्चर है स्किन, उसे इम्प्रूव करता है, स्किन को काफी क्लैरिफाई करता है. Also it contains 1% zinc actives, vitamin E, vitamin B5 है और ये काफी अच्छा एक ग्लो प्रोवाइड करता है इसे इस्तेमाल करने के बाद. सो अब क्वेश्चन है कि आपको इसे इस्तेमाल किस तरह से करना है. जस्ट अपने फेस को अच्छे से आपको क्लीन करना है एंड देन टेक 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ दिस फेस सीरम, पाम में लीजिए एंड देन डॉट्स में ऑल ओवर फेस एंड नेक पर अप्लाई कीजिए. जस्ट पैट इट विथ योर फिंगर टिप्स एंड ये आप मॉर्निंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इस सीरम को नाइट टाइम में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ये 30 ml का है विच रिटेल्स फॉर 1095 rupees एंड यू कैन सी द पैकेजिंग लुक्स सो क्यूट एंड आई लव द कलर. एंड इसका जो टेक्स्चर है ना वो भी आप लोग देख सकते हैं, काफी ज्यादा लाइट वेट एंड काफी नॉन ग्रीजी इसका टेक्स्चर है. एंड लुक एट दिस, ये इंस्टेंटली अब्सॉर्ब हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इसका वॉटरी सा टेक्स्चर है विच आई लव पर्सनली, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है. एंड द फ्रेग्रेंस इज वेरी माइल्ड, काइंड ऑफ थोड़ा सा सिट्रस है इसका फ्रेग्रेंस है, लेकिन बहुत ही ज्यादा माइल्ड है, इट वोंट बॉदर यू एट ऑल. नेक्स्ट स्टेप इज दिस सीरम जो कि है डॉटन की वाटर ड्रेंच हाइड्रेटिंग हाइलुरोनिक सीरम कॉन्सेंट्रेट, जिसके अंदर अकाई बेरी है, बल्गारियन रोज है. नाउ दीज इंग्रेडिएंट्स आर सो बेनिफिशियल फॉर आवर स्किन. इसके अंदर विटामिन सी इंड्यूस्ड फॉर्म्यूला भी है और कोई नेस्टी केमिकल्स नहीं है विच इज ग्रेट. ये आप दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं इस सीरम के बाद इस कॉन्सेंट्रेट को इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ. ये एक हाइलुरोनिक एसिड सीरम है जिसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स है, विटामिन सी है जो कि हमारे स्किन में जो डलनेस है, जो डिहाइड्रेशन है, उसे दूर करता है. एंड इट ऑल्सो फाइट्स फ्री रेडिकल डैमेज और स्किन को काफी मॉइस्चराइज करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है अंदर से. सो दैट आई रियली लव अबाउट दिस सीरम. अब देख लेते हैं कि इसे इस्तेमाल किस तरह से करना है. आपको 3 to 4 ड्रॉप्स इसका अपने पाम में लेना है एंड देन डॉट्स में ऑल ओवर फेस एंड नेक पर अप्लाई करना है. हल्का सा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए आप मसाज दे सकते हैं अपने फिंगर टिप्स से, उससे काफी एक ग्लो मिलेगा, अच्छा सा ग्लो मिलेगा आपको. एंड देन या इट गेट्स टोटली अब्सॉर्ब्ड इनटू योर स्किन. इसका जो टेक्स्चर है वो काफी लाइट वेट है, इसका फॉर्मूला मुझे काफी अच्छा लगा है एंड द फ्रेग्रेंस इज सो अमेजिंग. इसका फ्रेग्रेंस मैं डिस्क्राइब तो नहीं कर सकती बट आई पर्सनली लव द फ्रेग्रेंस. ऑल्सो इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत ही ज्यादा माइल्ड फ्रेग्रेंस है. थर्ड स्टेप इज दिस डॉटन की 72 hour हाइड्रेटिंग जेल प्लस प्रोबायोटिक्स, जिसके अंदर कम्बुचा है, फर्मेंटेड राइस वाटर है एंड वी ऑल नो द बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेड राइस वाटर. हमारे हेयर के लिए भी वो काफी अच्छा एक इंग्रेडिएंट है एंड स्किन के लिए वो बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक इंग्रेडिएंट है, क्योंकि स्किन को एकदम यंगर लुकिंग और टाइटन करता है, पोर्स को काफी मिनिमाइज करता है और स्किन में एक अलग सा ग्लो प्रोवाइड करता है, काफी क्लियर बनाता है एंड इट कंटेन्स दैट इंग्रेडिएंट, सो विच इज द बेस्ट पार्ट मेरे ख्याल से. एंड ऑल्सो इसका जो फॉर्मूला है ना वो काफी ऑयल फ्री फॉर्मूला है, सो अगर आपकी ऑयली स्किन है देन इट वोंट बॉदर यू एट ऑल. काफी अच्छा इसका फॉर्मूला मुझे लगता है
एंड इसका अंदर हेल्दी माइक्रोबायोम है एंड हाइलुरोनिक इंड्यूस्ड फॉर्मूला है जो कि एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी आपको देगा. सो दिस इज फॉर्मुलेटेड विथ प्री एंड प्रोबायोटिक्स. ये डेली एक मॉइस्चराइजर है जो स्किन को काफी प्लम्प एंड ड्यूवी रखता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है फॉर 72 आवर्स. ये हेल्दियर बनाता है स्किन को एंड कम्प्लेक्शन को काफी ज्यादा इवन टोन रखता है. सो ये 100% सेफ है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. अब बात करते हैं कि इसे आपको इस्तेमाल किस तरह से करना है. डॉट्स में आप इसे लीजिए अपने होल फेस एंड नेक पर एंड हल्का सा इसे अपने फिंगर टिप्स से मसाज कर सकते हैं एंड देन लीव इट ऑन. ये इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा एंड दैट्स इट. सो या गाइस, ये है मेरा करंट स्किन केयर रूटीन और इस स्किन केयर रूटीन को मेन, वुमेन, टीनेजर सभी फॉलो कर सकते हैं बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर टोटली सेफ टू यूज ऑन योर स्किन एंड काफी अच्छा मुझे बेनिफिट्स मिल रहा है. स्किन भी काफी क्लियरर एंड यू नो रेडियंट फील हो रही है मुझे बिकॉज यू ऑल नो मेरे घर में अभी एक अपकमिंग ओकेशन है जिसके लिए आई एम जस्ट प्रेपिंग माई स्किन. स्किन अच्छा हो तभी तो अच्छा दिखेगा ना, मेकअप अच्छा लगेगा आपके स्किन पर. सो योर स्किन शुड बी क्लियर, योर स्किन शुड बी हेल्दी. सो आई एम कंप्लीटली लविंग माई करंट मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. और अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक प्रोवाइड किया है. मेक श्योर यू चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. बाय.